नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पेपार सिटी, अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो विषय है, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय है वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेशे जो हैं वो वस्त्रों की प्रथम इकाई है, यानी बेसिक यूनिट है। यदि रेशे होंगे तभी उनसे वस्त्र बनाए जा सकेंगे। इसीलिए जो प्रकृति में ऐसे बहुत से रेशे हैं, जो रेशे उपलब्ध हैं, लेकिन सभी रेशों से वस्त्र बनाना जो है वो संभव नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों का होना आवश्यक है, और उनके वजह से ही वो गुण होंगे तभी वस्त्र जो है वो आसानी से बनाए जा सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि रेशे में वो गुण ना भी हो और उनको अथक प्रयास से अगर उनको जो है वस्त्र बनाए जाए, लेकिन वो वस्त्र जो है वो फिर उतने टिकाऊ नहीं रहते हैं, या उनका उपयोग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है जिस जिस के लिए बनाए गए। तो जो है रेशों में जो मजबूती, खास करके सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि जो है रेशे में पर्याप्त मजबूती जो है वो होना बहुत आवश्यक है, यानी कि उसमें उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसमें दृढ़ता जो है रेशे में होना ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि यदि रेशे में मजबूती है, अगर वो मजबूत है तभी वो, क्योंकि जब रेशे से वस्त्र बनाया जाता है तो उसको बहुत सारी स्टेजेस से निकलना पड़ता है। बहुत सारी स्टेजेस में, जैसे उसकी जो है बटना, खिंचाई, उसको जो है उस पे करघे पर तानना, और जो है फिर उसको झटकना, इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो कि ये रेशे को जो है वो जिनसे रेशा जो है निकलकर ही पहले सूत बनता है और सूत से धागा बनता है। यानी अगर रेशा मजबूत होता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तनाव सामर्थ्य है, तनाव को सहने की क्षमता अधिक होती है। अगर ये मजबूती नहीं होगी तो इन सब क्रियाओं में रेशा जो है उसके टूटने के आसार जो है वो, या उसकी आशंका बनी रहती है, और फिर उससे बना हुआ वस्त्र उतना मजबूत नहीं बन पाता है, उतना टिकाऊ, या उसकी कार्य क्षमता उतनी नहीं हो पाती है जितनी कि रोज पहने वाले वस्त्र, पहने जाने वाले वस्त्रों की होनी चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरा गुण जो है वो है संतोषजनक लंबाई, यानी रेशे की जो लंबाई है वो भी पर्याप्त होनी आवश्यक है। प्रकृति में जो रेशे होते हैं उनमें सभी रेशे जो हैं वो इतने लंबे नहीं होते हैं। जैसे ऊन का रेशा जो है वो छोटा होता है, कपास का रेशा जो है वो आधा इंच का ही होता है, लेकिन सिल्क का रेशा जो है, क्योंकि वो कीड़े से प्राप्त होता है तो उसकी लंबाई जो है वो बहुत अधिक होती है। दूसरे जो कृत्रिम रेशे होते हैं उनकी लंबाई भी हम अपने हिसाब से, क्योंकि वो मानव कृत होते हैं इसलिए उनकी लंबाई भी काफी होती है। तो इसमें जो लंबाई जो है का जो फैक्टर है, या लंबाई का जो गुण है, वो इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि इन रेशों को जो है आपस में सटाकर और इनसे वस्त्र बनाया जाता है। अगर रेशे बहुत छोटे होते हैं तो उसमें रेशों के जो एंड्स होते हैं वो ऊपर वस्त्र पर दिखाई देते हैं, और उससे वस्त्र जो है वो जल्दी गंदा होता है, उसमें दाग धब्बे भी जल्दी लगते हैं। लेकिन जो लंबे रेशे होते हैं उन लंबाई की वजह से रेशे मजबूत बन होते हैं, और उन पर जो है एक चमक भी रहती है, और ना ही उस चमक रहती है, और साथ ही वो रेशे जो हैं उन रेशों के ऊपर धूल के कण इत्यादि नहीं दिखते हैं। तो संतोषजनक लंबाई होना आवश्यक है। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉटन का सिर्फ आधा इंच ही लंबा होता है, लेकिन उससे भी अच्छे मजबूत वस्त्र बन सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है एक कोहेसिवनेस का, एक बंधन क्षमता, आपस में जोड़ने की क्षमता, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये गुण भी होता है। अगला जो गुण है जो रेशों में होना जरूरी है वो है लचीलापन। लचीलापन का मतलब है कि जैसे हम जब ये वस्त्र जब हम पहनते हैं अपने शरीर से, तो उस पर जो है अगर वस्त्र में सॉफ्टनेस होगी, यानी कि शरीर के साथ में ही जो है उसके साथ में ड्रेपेबिलिटी अगर डेवलप हुई होती है, यानी
उसको अगर खींच कर और छोड़ दिया जाए और वो फिर अपनी मूल जो है उसमें लंबाई में या मूल उसमें रूप में आ जाए, तो उस गुण को लचीलापन कहते हैं। ये लचीलापन जो है ये सबसे ज्यादा जो है ये सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, स्पेशली जो नायलन है उसमें होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो हम सॉक्स पहनते हैं या जो हम इस तरह के जो नायलन से बने हुए जो जो गारमेंट्स पहनते हैं वो बिल्कुल हमारे शरीर के अनुरूप ढल जाते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट गुण जिसकी हम बात करेंगे वो है प्रत्यास्थता, जिसको इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहा जाता है, यानी इलास्टिक की तरह से, जैसे हम इलास्टिक को एक लंबा इलास्टिक जो है उसको खींच कर वापस अपनी उस पर छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो यही इलास्टिसिटी जो है ये रेशों में होनी आवश्यक है। हालांकि ये सभी वस्त्र उपयोगी रेशे जैसे जिनसे कि जैसे कॉटन है उसमें प्रत्यास्थता कम होती है, लेकिन वूल जो है उसमें, ऊन जो है उसमें प्रत्यास्थता, ऊन का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर, 1 इंच टुकड़ा लेकर खींच कर आप छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी उस पूर्व जो उसकी जो शेप है या पूर्व जो उसका आकार है उसको जल्दी ग्रहण करता है। लेकिन कॉटन में या कपास में ये गुण नहीं होता है, वो आजकल मर्सराइजेशन की फिनिश देकर या मन नामक जो है एक परिसज्जा देकर उसके इस गुण को बढ़ाया जा सकता है। प्रत्यास्थता इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि आप देखिए जैसे कॉटन का अगर आप कुछ सूट पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं तो कुछ समय बाद ही वो कॉटन की साड़ी जो है उसमें सल आ जाता है और अगली बार आप जब उसको पहनेंगे तो बिना आयरन किए बिना प्रेस किए हुए आप उसको नहीं पहन सकते हैं क्योंकि उसमें क्रीज रेजिस्टेंस नहीं होती है, यानी सलवट को सहने की क्षमता इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो रेशा जो है उसमें अपने पूर्व आकार को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। लेकिन कॉटन में ये कमी जरूर है लेकिन और अनेक गुण उसमें जो है विद्यमान रहते हैं जिनसे कि कॉटन जो है वो सबसे सर्वव्यापी रेशा माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है बंधन क्षमता। बंधन क्षमता का अर्थ ये है कि जैसे कि रेशे से जब वस्त्र बनाया जाता है तो 3 फेजेस से निकलता है। पहले में रेशा होता है, दूसरे में सूत है और तीसरा जो है उससे वस्त्र बनता है। तो जब रेशे से सूत बनाया जाता है तो उसमें बंधन क्षमता यानी आपस में जुड़ने की क्षमता होना आवश्यक है। अगर आपस में जुड़ने की क्षमता नहीं है तो रेशों से जब धागा बनाया जाएगा तो वो छिटक कर अलग हो जाएंगे और जो है वस्त्र को मजबूती नहीं दे पाएंगे। तो ये जो बंधन क्षमता है ये ज्यादातर सभी प्राकृतिक रेशों में जो है विद्यमान रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो गुण होना चाहिए आवश्यक रूप से वो है कोमलता एवं सूक्ष्मता। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि वस्त्र हमारे जो है रेशे रेशे सॉफ्ट होंगे सूक्ष्म होंगे तो उनसे बनने वाला वस्त्र भी कोमल होगा और वो शरीर पर जो है हमें जो है कंफर्ट देता है, हमें किसी तरह की उसको पहनकर दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए जितने भी रेशे जो हम वस्त्रों के लिए उपयोग में लाते हैं वो सॉफ्ट हो तो सॉफ्ट होते हैं। अब जैसे जूट बिना जो है या जो इस तरह के जो रेशे होते हैं उनमें सॉफ्टनेस का अभाव रहता है, इसलिए उससे वस्त्र ना बनकर उसे जूट से रस्सियां और रग्स वगैरह बोरी इत्यादि बनाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले गुण की, वो है नमी अवशोषण क्षमता, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंसी की कैपेसिटी होना आवश्यक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम वस्त्र जब अपने शरीर से पहनते हैं तो हमारे शरीर में जो है उसमें पसीना आता है और उस पसीने को सोखने की क्षमता अगर उस रेशे में है और उस रेशे से बना हुआ वस्त्र अगर इसको नमी को सोखेगा तभी वो वस्त्र जो है वो हमारे लिए जो है बहुत जो सॉफ्टनेस देगा, पहना हुआ हमें सुकून देता है और साथ ही जो है वो हाइजीनिक भी माना जाता है। यदि जैसे आप देखिए कि जो आप सिंथेटिक जैसे नायलन इत्यादि की प्योर नायलन इत्यादि के बने हुए अगर आप वस्त्र पहने तो वो वस्त्र जो है उससे आपका पसीना नहीं सूखता है, पसीना अंदर ही रहता है और उस पसीने से फिर जीवाणु उत्पन्न होते हैं और वो वस्त्र जो है वो हाइजीनिक नहीं माना जाता है। और नमी अवशोषण क्षमता इसलिए भी होनी जरूरी है क्योंकि जितने भी जो स्टेप्स हैं यानी जो जिनमें जैसे आपको कपड़ा जब बनता है तो उसपे जो है डाइंग होती है, प्रिंटिंग होता है और उसपे जो है कई तरह की परिसज्जाएं होती हैं, तो उन सबके लिए जब तक उसमें
जो है नमी को अवशोषित करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक ये सारे जो है कैपेसिटी, सारी जो ये क्रियाएं हैं वस्त्र निर्माण की, ये नहीं की जा सकेंगी। फिर हम नेक्स्ट जो गुण होना चाहिए वो है चमक, यानी कि जो नेचुरल जो आपकी जो चमक है उसको परावर्तित करने की का जो गुण होता है। हालांकि ये गुण भी सभी रेशों में नहीं है, लेकिन जैसे रेशम होता है वो चमकीला होता है, रेशम के जो का जो रेशा है उस रेशे की एक चमक अनोखी रेश होती है, इसीलिए उसको क्वीन ऑफ फैब्रिक्स कहते हैं। लेकिन जो है कॉटन इत्यादि में अगर इस चमक को, कपास में क्योंकि चमक नहीं है और उसको चमक के लिए अलग से जो है परिसज्जित किया जा सकता है। चमक का गुण होने से क्या होता है कि जो है रेशा जो है वो दिखने में भी बहुत अच्छा दिखाई देता है, यानी उससे बने हुए वस्त्र जो है वो अच्छे दिखाई देते हैं। उसके बाद में हम अगले जिस उसपे फैक्टर या अगले गुण पर आते हैं वो है समानता। समानता का अर्थ ये है कि जो जिस रेशे से धागा बनाया जाए वो या वस्त्र बनाया जाए उसका व्यास, उसकी लंबाई, उसका आकार, उसमें एक तरह की यूनिफॉर्मिटी, एक तरह की समानता होनी आवश्यक है। यदि वो समानता नहीं है तो वो रेश उससे बनने वाला रेशा सॉफ्ट नहीं बनेगा, उससे बनने वाला रेशा जो है वो रूक्ष होगा और उसकी जो है और उसकी यूनिफॉर्मिटी जो है वो कपड़े की, वस्त्र की गुणात्मकता को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट जो गुण है वो है अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को सहने की क्षमता जो है वो रेशे में होनी जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम वस्त्र पहनते हैं, पहनने से वस्त्र गंदे भी हो जाते हैं, गंदे होने के बाद में उनकी हम धुलाई भी करते हैं, और धुलाई करने पर यदि उसमें प्रतिरोधक क्षमता, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो कॉटन जो है उसमें अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है। उसको किसी भी प्रकार के ब्रश से, किसी भी प्रकार के डंडे से, या आप देखिए धोबी जो है वो उसको धोबी घाट पर पटक पटक कर भी धोता है तो वस्त्र फटता नहीं है। इसी तरह से आप देखिए जो जो ऊन है उसमें जो है प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, हम कभी भी ऊनी वस्त्र को हम ब्रश से नहीं रगड़ते हैं। कारण ये है कि उसमें अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो ये क्षमता अगर अधिक होगी तो वस्त्र को जो है उसके रख रखाव में जो है वो अच्छा रहेगा और वस्त्र जो है उसका टिकाऊपन इस क्षमता की वजह से बढ़ जाता है। फिर हम बात करते हैं ताप संवहन फैक्टर की। जो ताप संवहन जो गुण है इसमें, इसको हम हीट कंडक्टिविटी भी इंग्लिश में कहते हैं। जैसे दो तरह के वस्त्र होते हैं, एक होता है ताप के कुचालक होते हैं, जिनमें ताप के कुचालक जो कि हम जिनको हम बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं, और एक होते हैं सुचालक जो कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। यानी जैसे कॉटन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है, यानी कपास या जो कॉटन का जो कपड़ा आप वस्त्र पहनते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इसलिए माना जाता है क्योंकि जो शरीर का में जो गर्मी होती है उस गर्मी को वो बाहर फेंकने की क्षमता रखता है। और ऊन जो है वो ताप का कुचालक इसलिए माना जाता है क्योंकि जब सर्दियों में हम क्यों ऊनी वस्त्र पहनते हैं, सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र इसीलिए पहनते हैं क्योंकि ऊन जो है उसका वो हमारे शरीर की गर्मी को अंदर ही बनाए रखती है, उसको बाहर उसका संवहन नहीं करती है, वो इसीलिए वो जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। तो ताप संवहन का गुण जो है वो भी जो है वस्त्रों के रेशों में होना आवश्यक होता है। फिर हम बात करते हैं कीट और जीवाणुओं का प्रभाव। जैसे कि आप जानते हैं कि रेशे जो है वो कीट और जीवाणुओं से प्रभावित होते हैं। जैसे आपका जो सूती वस्त्र होता है इसमें बहुत जल्दी जीवाणु जो है प्रभावित करते हैं, इसमें फंगस लग जाती है। कॉटन जो जो वूल है उसको कीड़े काट सकते हैं। तो इन सबका जो प्रभाव है वो जैसे ये जो जो जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं वो तो कीट और जीवाणुओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन जो जितने भी मैनमेड फाइबर्स हैं उनमें इसका प्रभाव जो है वो नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ही कम जो है इस तरह के ये प्रभावित नहीं होते क्योंकि ये मानव कृत हैं और मानव ने इनको बनाते समय उस समय कुछ इस तरह की ऐसी जो है वो इसको दी गई है परिसज्जाएं
जिनसे कि ये कीट और जीवाणुओं से प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन जो रेशे कीट और जीवाणुओं से प्रभावित होते हैं, उन रेशों के लिए हम जो है, जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों में जब हम ऊनी कपड़े संभाल कर रखते हैं तो उसमें हम नीम के पत्ते डालते हैं, कपूर की गोलियां डालते हैं, और धूप में अच्छे से सुखाकर जो है कपड़ों को, जिससे फंगस ना लगे कॉटन में, कॉटन को जब हमको जब हमको संरक्षण करना होता है, उसको संभाल कर रखना होता है, तो कॉटन को हम हमेशा अच्छे से धूप लगाकर और फिर रखते हैं, जिससे कि वो जीवाणुओं से और या फंगस से प्रभावित ना हो। और लास्ट इसमें जो गुण है वो है शोधक पदार्थों एवं साबुन का प्रभाव। शोधक पदार्थ जो है, ये शोधक पदार्थ जैसे हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, दो तरह के मेन शोधक पदार्थ होते हैं, एक एसिडिक होते हैं, एक एल्कलाइन होते हैं, यानी अम्लीय होते हैं और क्षारीय होते हैं। जो कॉटन होता है, यानी जो आपके जितने भी जो नेचुरल फाइबर्स, जिसमें कि आपके ये सेल्युलोज से बने हुए फाइबर्स होते हैं, ये जैसे आपका कॉटन है, कापोक है, ये सारे जो इनसे बने हुए जो फैब्रिक्स होते हैं, ये जो है इन पर किसी भी तरह का एल्कलाइन साबुन जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं या जो उस तरह के सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, उन पर हम उदासीन जो है पदार्थों का, डिटर्जेंट्स का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है ये जब के रख रखाव के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि शोधक पदार्थों को सहने की क्षमता उसमें हो, तभी वस्त्र जो है वो समय रोज जो धुलाई और जो है उसको सहन कर पाएंगे, अन्यथा जो है उसके जो है, अगर ये शोधक पदार्थों के लिए इनका प्रभाव जो है इससे कुप्रभावित होंगे तो वो उनकी कार्यक्षमता इससे प्रभावित होगी। तो यही बात जो है मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो है अगर ये सारे गुण, हालांकि जैसे मैंने आपको बातों में अपनी बात में बताया कि सभी गुण उसमें नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ गुण जो है वो इतने हैं कि उनकी वजह से अगर कुछ गुणों की कमी भी है तो भी उससे जो है वस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। और ये भी मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे इतना ज्यादा डेवलपमेंट इसमें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में हो गया है कि इसमें अगर किसी भी तरह के कुछ कुछ कमियां अगर रह जाती हैं तो रेशों को में अलग से वस्त्र बनने के बाद में कई सारी परिसज्जाएं जो हैं वो दी जाती हैं, और उन परिसज्जाओं से, उन फिनिशेस से वस्त्र जो है उसको जो है मानव के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। इसीलिए आप देखते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारी जो है कॉम्बिनेशंस जो है वो मार्केट में उपलब्ध हैं, और इतने ज्यादा होते हैं कि कई बार हम लोगों के लिए उसको चूज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।